अभी ये जो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये है टाटा एसी और टाटा मैजिक का वाइफर, मतलब दोनों गाड़ियों में एक ही मोटर आता है, ये कोई भी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो असल में क्या है, ये बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया इसलिए जाम हो गया, तो इसको आज खोल के रिपेयर करेंगे, देखेंगे जाम है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या अगर कोई सामान फेल हो गया तो उसको भी चेंज करेंगे और इसके साथ साथ सर्विस भी करेंगे। ओके, तो ये कैप खोलने के बाद देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीस दिखता है। ओके, तो ये ग्रीस हटा दो, तो अभी इसको हम धो के नया ग्रीस लगाएंगे। ओके ना, तो अभी ऊपर का कैप तो निकाल लिए, उसके बाद अब आपको ये जब आप खोलने बैठेंगे तो आपको दो पाने लगते हैं, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। अगर आपके पास ऐसा बिट है तो और अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है देखो इस बिट बॉक्स का, तो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो ये दोनों स्क्रू खोल लेने का, उसके बाद अब ये जो बॉडी है, मतलब बॉडी बोलते इसको और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से बुलाते, तो खैर जो भी है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर डस्ट है, और ये डस्ट किसका है बोलते हो, कार्बन ब्रश जो रहते हैं ना वो घस गए, घसने से मतलब उसका जो डस्ट है रहता है वो वहीं पे रुक जाता है। ओके, तो इसके लिए अब हम इसको क्या करेंगे, सर्विस भी करेंगे पेट्रोल से। ओके ना, तो अब ये आर्मेचर निकालने का कुछ ऐसा है तरीका, लेफ्ट साइड घुमा के मतलब ऐसा बाहर की तरफ खींचते हुए लेफ्ट साइड घुमा लेने का। ओके, देख सकते थोड़ा निकला, तो अभी नहीं निकल रहा, तो खैर ट्राई करेंगे, निकल गया तो अच्छा है। तो ये नहीं निकल रहा, तो इसका और भी तरीका है निकालने का, तो उसको अभी बताऊंगा मैं। तो उसके लिए आपको क्या, ये 12 नंबर का रिंग पाना लेना, या बिट रहा तो भी जमता, उसके बाद ही आपको ये खोलना पड़ता। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये इक्लाम बोलते हैं इसको, मतलब पट्टी इक्लाम, जो वाइफर की गाड़ी जो घूमती ना इसी को जरिए, मतलब इसी को लग के घूमती हो। ओके ना, तो अभी ये 12 नंबर का नट खोल लिए, अब इसके बाद ये क्लैंप निकालना, ऐसा नहीं निकलता, तो इसको 2 बार हल्का सा ऐसा मारो जैसा अभी मैं देख रहा हूँ वीडियो में, तो ये देख सकते निकल गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 8 नंबर का पाना, या फिर अगर ऐसी बिट है तो और अच्छी बात है, वो लेके क्या आपको ये तीनों बोल्ट को खोलना पड़ता है। ओके, ये 1 इंच के रहते हैं 8 नंबर के। ओके, तो मैं ये एक खोल लिया, इसमें 3 है टोटल, तो तीनों खोलेंगे। तीनों खोलने से क्या, ये जो अभी स्टैंड है मतलब बेड बोलते हैं, अभी जो मैं खोल रहा इसको बेड बोलते हैं, और ये जो मोटर है इसको वाइफर मोटर, तो इस बेड के ज़रिए इसको हम क्या गाड़ी पे फिट करने वाले, मतलब गाड़ी के ऊपर फिट होके रहता है। तो ये तीनों बोल्ट खोल लिया मैं, इसको कुछ इस तरह निकाल के इसको साइड में रखेंगे। अभी ये देखो ये रबर है, ये क्या है, पानी डस्ट वगैरह नहीं जाना बोल के देता, ऑयल सील भी बोल सकते उसको। तो इसको आर्मेचर तो नहीं निकल रहा, तो ये गियर है, गियर को देखो अभी कुछ इस तरह मार के गियर को बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये रबर है, इसको पेट्रोल से नहीं धोना। ओके, खाली पोंछ के फिर फिट कर देना। ये गियर है, इसी के ज़रिए आपको काम करता है वेफर। तो गियर निकाल लिया, अभी देखो कितना आसानी से बाहर निकल गया। एक और बार देखो, ये गियर निकाल लिए, बस बाहर आ गया आर्मेचर। तो मतलब हर काम ईजी है, बस उस समझने की ज़रूरत रही थी। तो ये है आर्मेचर, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं हुआ, जला नहीं, और कोई वाइंडिंग वो कमेंटर भी थोड़ा अच्छा है, बस थोड़ा सा उस पर डस्ट आ गया तो उसको पेपर मारेंगे। और अभी देख सकते हैं अभी दिक्कत जो है यहाँ पे, आपको ये जो कार्बन ब्रश है ना, मतलब टोटल घसे तो नहीं, मगर टूट गए तीनों, तो टूट गए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अब हमारे यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब इसको ऑल्ट्रेशन करके फिर से इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, देख सकते ये टूट गए, दो टुकड़े हो गए। ओके ना, तो अभी 2 टुकड़े हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। ओके, तो देख सकते हैं अभी ये वॉश हो गया। वॉश होने के बाद अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आर्मेचर का कमेंटर जहाँ पे कार्बन बैठता है उसको ऐसा पेपर मार लेना, ये 120 नंबर का रफ पेपर बोलते हैं, MD पेपर भी बोल सकते हैं, रेगमल पेपर भी बोल सकते हैं, 120 नंबर का। तो इससे साफ़ करने के बाद अब इसके अंदर जो गैप्स है उसको किसी तरह से साफ़ कर लो। ओके, अभी ये देख सकते हैं, अब ये कार्बन जो टूट गए थे आपस में उसको अच्छे से प्रॉपरली बिठा लेके, मतलब सही से बिठा लेके, थोड़ा हल्का सा फेक एक डाल लेना। अगर आपके पास ये नया मिल रहा तो नया डाल ले सकते हैं आप, मतलब नया चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे नहीं है, हम सिटी से थोड़ा दूर है, तो हमारे पास अभी ये सामान नहीं है, और बारिश भी बहुत आ रहा है हमारे इलाके में, तो उसकी वजह से अभी इसको मतलब एडजस्ट कर रहे हैं हम, जब मिल गया तो नया डाल लेंगे। ओके, तो अभी देख सकते हैं आप, मैं फेक एक दोनों को डाल लिया, अभी ये तीसरा है देखो टूट गया, तो इसको मतलब अच्छे से प्रॉपरली, आपको इसके अंदर एक हल्का सा कट भी दिख रहा होगा, तो उसको आप जब आप खोलेंगे या खोलने बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ओके ना, बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ये वीडियो देख के बस जो भी काम है फॉलो करना है। ओके, तो ये फेविक डाल लिया मैं, देख सकते अभी तीनों को लगा दिया, अभी फिट करेंगे। अभी ये जो देख रहे हैं अभी गेयर है, गेयर बोलते इसको, ये प्लास्टिक का रहता, मतलब आर्मेचर इसको घुमाता, ये जाके अपनी वाइफर के गाड़ियों को घुमाता। ओके, तो इसको धो लिए हम, धो के अच्छे से साफ़ कर लिए कपड़े से, अब इसको हम क्या करेंगे, फिट करेंगे। ओके, तो इससे पहले अभी आपको बताता हूँ, ये देखो आर्मेचर है, इसको भी धो लिए हम, मतलब सामान को पूरे पेट्रोल से धो लिया, और ये बाड़ी है इसको भी धो लिए,
और ये है हाउसिंग जिसके अंदर आर्मीचर भी बैठेगा, गियर बैठेगा और सारी मोटर, मतलब ये इसका बॉडी बोल सकते हैं इसको। ओके तो अभी देखो यहाँ पे मेन काम है, अब जब आप ये कार्बन बिठा रहे तो आपको एक बार देखना है कि मतलब कार्बन बराबर इसके अंदर सस्पेंस ले रहा नहीं, मतलब एक्शन अंदर बाहर की तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसा बोले तो अभी देखो आप वीडियो में। ये अभी जैसा आप देख रहे वीडियो में कुछ इस तरह बिठा देना। ओके बिठाने के बाद ये देख सकते हैं थोड़ा ये दिक्कत करता, मतलब ये जब आप फिट कर रहे ना तो दो आदमी है तो ज़्यादा बेहतर रहता, एक आदमी भी कर सकता मगर थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती, थोड़ा बार बार बाहर की तरफ निकल जाते। तीन कार्बन है ना तो एक आदमी रोक नहीं सकता उसको, एक आदमी दो हाथ से पकड़ेगा, एक और आदमी एक कार्बन को पकड़े उसके अंदर आर्मीचर डाल जाए तो, मतलब दो आदमी रहे तो अच्छी बात है। तो ओके अभी फ़िलहाल एक कार्बन बैठ गया, अब ये दूसरा कार्बन देख सकते बिठा रहा मैं, तो ये थोड़ा जाम है, ऐसा जाम नहीं रहना। ओके ना तो कुछ जाम है तो कुछ इस तरह इसको अंदर बाहर करो, ये फ्री हो जाता। ओके देख सकते आप ऐसा, जब आप अंदर की तरफ ढक लेंगे तो क्या स्प्रिंग उसको बाहर की तरफ ढकलना, मतलब इसका मतलब क्या वो कार्बन अंदर बाहर आना जाना फ्री रहना, उसको सस्पेंस होने के लिए एक्शन लेने के लिए जगह है तो सही से आपको काम करेंगे वाइपर। ओके तो अभी ये तीसरा है देखो, अभी इसमें आप देख रहे होंगे तीन कार्बन है, असल में तीन इसलिए है कि इसके एक अर्थिंग रहता है, अर्थिंग मतलब नेगेटिव जो बॉडी को देते माइनस वायर, और ये दो पॉजिटिव रहते प्लस वाले, मतलब दोनों में एकदम करंट नहीं आता, एक स्लो का है और एक फास्ट का है। ओके तीन है, तीन का मतलब एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो डायरेक्ट बॉडी को रहता और जो पॉजिटिव है उसमें एक स्लो का स्लो स्पीड का रहता, एक फास्ट स्पीड का रहता। ओके तो ये तीनों कार्बन हो गया, दो तो बिठा लिया मैं, अभी तीसरा कार्बन भी बैठ रहा देख सकते, ये अभी देख सकते ये भी ओके, पर थोड़ा सा अटक रहा है, अटक रहा इसलिए क्यों बोलते, इससे पहले जब मोटर जाम हो गया था ना तो ये कार्बन के पास थोड़ा सा यहाँ देख सकते ये प्लास्टिक फाइबर मेल्ट होके बाहर की तरफ आ गया, तो देख सकते अभी मैं चाकू से थोड़ा हल्का सा साफ़ कर दे रहा, अभी साफ़ करने के बाद देख सकते आप मतलब अच्छे से फ्री हो गया, अच्छे से सस्पेंस अंदर एक्शन लेंगे अंदर बाहर होते रहेंगे। तो ये देख सकते अभी बिठा लिए ना तीनों हो रहे, अभी तीनों होने के बाद देखो दूसरा आदमी क्या करना आपको, अब ये तीन कार्बनों को हम क्या बाहर की तरफ दबा के आर्मीचर को बस डायरेक्ट ऐसा बिठा देंगे। आर्मीचर बिठाते वक्त ऑयल नहीं डालना इसमें, बहुत सारे लोग ऑयल डालते, ऑयल डालने से क्या है अभी तो फ्री रहता ओके, मगर आगे चल के क्या है फिर वो ऑयल जाम हो जाता, मतलब मुद्दा बन के आपको मतलब थोड़ा जाम करते रहता हो, तो उसके लिए जब आप पेट्रोल से सर्विसिंग कर रहे तो ऑयल नहीं डालना, अगर सर्विसिंग नहीं कर रहे तो ऑयल डालना। ओके तो ये फिट करने से पहले एक बार आपको कुछ इस तरह चेक कर लेना है कार्बन, अभी जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अंदर बाहर मतलब एकदम फ्री है, ऐसा नहीं कि कहीं अंदर गया तो बाहर, बाहर गया तो अंदर अटक रहा नहीं। ओके ये दूसरा भी देख सकते कितना फ्री काम कर रहा, मतलब अंदर और बाहर की तरफ आ रहा जा रहा, ऐसा अगर अंदर बाहर आ रहा जा रहा तो आपको ये ज़्यादा सर्विस देगा, मान सकते आप दो साल तीन साल चार साल भी चलता। ओके तो फिट करने से पहले आप एक बार इसका ध्यान रख ले, कोई बारीक चीज़ चाहे आपके पास ऐसा चाकू हो या फिर बारीक सुई या कोई एक्सर ब्लेड से भी चेक कर सकते हैं। ओके तो ये तीनों बैठ गए, आर्मीचर भी एकदम परफेक्ट घूम रहा है इसके अंदर और आर्मीचर भी कोई डैमेज नहीं हुआ, वाइंडिंग नहीं जला, ये बैठ गया। अब इसको फिट करते इस टाइम पर देखो ये पैकिंग है, पैकिंग आपको ज़रूरी है लगाना, अगर नहीं लगाए तो ओवर टाइट हो के आर्मीचर तो क्या आर्मीचर जाम हो जाता। तो अभी आप फिट करने से पहले ये जो पैकिंग है इसमें आपने बात गौर किया होगा, देखो ये जो पैकिंग है इसके अंदर एक हल्का सा ऐसा कट लगा हुआ है जैसा चांद के तरह आता ना, अभी देखो ये बॉडी है इसके अंदर भी देख सकते हैं आप थोड़ा हल्का सा यहाँ पे कट लगा हुआ है, और ये हाउसिंग में और पैकिंग में यहाँ भी थोड़ा हल्का सा कट लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। ये कट का मतलब क्या है, ये मतलब ये जो गाला है ना ये आपस में मैच होना है, मतलब आप उधर का इधर लगा दिए तो भी घूमता पर उल्टा घूमता। ओके अगर आप ऐसा सही लगाएंगे तो सही घूमता, ये देख सकते हैं आयरो अभी मिल गया बॉडी भी और हाउसिंग का गाला कट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ देख सकते दोनों मतलब होल मिल गए, तो इसके जो बोल्ट है सात नंबर के, ये सात नंबर के दोनों बोल्ट को इसके अंदर टाइट कर देंगे, और टाइट करते हुए क्या दोनों को बराबर टाइट करना, ऐसा नहीं कि पहले एक तरफ का फुल टाइट कर दिए बाद में दूसरी तरफ का करें, उससे क्या आर्मीचर ओवर टाइट हो के मतलब नहीं घूमता। ओके तो दोनों को बराबर हिसाब से टाइट करना। अभी एक बार क्या करेंगे हम इसको चेक करेंगे, देख सकते हैं अभी अर्थिंग वायर लगा दिया मैं नेगेटिव, अब इसके अंदर देखो दो है मतलब घूमने के, एक स्लो स्पीड ये देख सकते हैं आप स्लो स्पीड घूम रहा। ओके अभी इसके बाद क्या करें, ये फास्ट स्पीड ओके, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता, आपको ऐसा देखने से नहीं समझता कि स्लो कौन सा है फास्ट कौन सा है, मगर दो वायर रहते। अभी ये देख सकते थोड़ा जूम करा मैं, तो अभी आपको देख सकते ये स्लो स्पीड है मतलब कम स्पीड वाला। ओके अभी ये जो देख रहे हैं ये ज़्यादा स्पीड है मतलब स्पीड वाला, तो इसमें मतलब मान लो दो स्पीड है। ओके तो ये फास्ट और ये वाला स्लो। ओके मतलब फिट करने से पहले बार बार मतलब चेक करते रहना हमको, तो उसके लिए क्या ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता। अभी ये देखो गियर फिट कर रहे हैं हम, इसके लिए ये वाचर डालना बहुत ज़रूरी है,
वाचर डालने के बाद ये जो ये गियर है ना, इसको ग्रीस लगाना ज़रूरी है बहुत। मतलब क्यों बोलते, ये प्लास्टिक का गियर, सॉरी ये गियर प्लास्टिक का है और आर्मेचर क्या है आयरन का है, लोहे का है ना, तो ये जब आपस में जो टकराएंगे तो प्लास्टिक क्या है घसने की ज़्यादा संभावना रहती है। ओके, तो उसको ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी ये जो होल देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगा देना, तो इसको भी लगाते वक्त इसके अंदर भी क्या है आपको ना ग्रीस डालना है ना आयल लगाना है। ओके, बस जैसा है वैसा लगा दो और थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे हल्का सा आर्मेचर के ऊपर लगा दो। ओके, अब यहाँ एक और बार हम क्या है चेक करेंगे। ओके ना, तो अभी ये देख सकते हैं मतलब नेगेटिव वायर लगा हुआ, अभी ये मैं पॉजिटिव लगा रहा, अभी ये देख सकते हैं आप ग्रीस मतलब गियर घूम रहा, तो इसमें इस पर मतलब इसके अंदर भी डबल टू स्पीड है, तो टू स्पीड पे भी चेक कर लेना अंदर। उसके बाद ये पैकिंग है इसका रबर, और ये रबर को क्या पेट्रोल से नहीं धोना, अगर पेट्रोल से धोएंगे तो ये क्या लॉन्ग हो जाता, मतलब साइज़ बड़ा हो जाता, फिर आपको बिठाने में दिक्कत होता। ओके, अब इसके बाद जो इसका ऊपर का कवर है बिठा देंगे, बिठा के इसके तीन स्क्रू रहते हैं। ओके, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा स्क्रू बिठाते वक्त आपको ध्यान रखना है एक अर्थिंग वायर है इसके अंदर ब्लैक कलर का, जिसको नेगेटिव वायर बोलते हैं और ग्राउंड वायर भी बोल सकते हैं, तो ये वायर भी इसके अंदर मिला दिया। और तीसरा स्क्रू मैं अभी नहीं लगा, वो क्यों बोले तो पहले हम ये बेड लगाएंगे। ओके, बेड लगाने से पहले आपको ये आयल सील लगाना पड़ता है, ये भी देख सकते हैं आप, इसको हम पेट्रोल से नहीं धोए, क्यों बोलते तो ये भी रबर का आइटम है, पेट्रोल अगर इसके ऊपर गिरा तो ये लॉन्ग मतलब साइज़ बढ़ जाता है इसका। ओके, तो उससे पहले ये आयल सील लगाने के बाद आपको ये बेड बिठाना है, बेड के तीनों स्क्रू रहते, आठ नंबर पाना हो या बिट जो भी हो आप उससे बराबर टाइट कर देने का। टाइट करने के बाद देखो अभी ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये जो उसका क्लाम्प है जो वाइफर काड़ियों को घुमाता है ये बिठा देना, ये इसमें ऐसा नहीं कि आपको इधर बिठाना उधर बिठा, आपको जैसा समझ में आ रहा वैसा बिठा दे सकते हो। ओके, मतलब ये गलत नहीं बैठता, जैसा बैठ रहा वो सही है। बैठने के बाद आपको 12 नंबर का नट को अच्छे से फुल टाइट करना है, ऐसा नहीं कि बस आप नज़दीक करके छोड़ दिए, नहीं अच्छा मतलब थोड़ा ताकत से टाइट करना है। करने के बाद अभी आखिरी काम देखो, यहाँ पे ये इसके ऊपर एक छोटा हल्का सा कैप है प्लास्टिक का, अभी आपको आखिरी में फिट कर देना, ये क्या आपको कवर मतलब वायरों को क्या सेफ्टी देता प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो अभी इसको अर्थिंग वायर देख सकते हैं अभी लगा के, सॉरी लगा रहा मैं इसको क्या एक बार आखिरी बार भी टेस्ट करेंगे हम फिट करने से पहले। ओके, तो ये अर्थिंग वायर लगा दिया हमें, जिसको ग्राउंड वायर भी बोलते हैं और नेगेटिव वायर भी बोल सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं अभी ये स्लो स्पीड है। ओके, मतलब आपको कोई बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा तो इसकी स्पीड में, और ये देखो फास्ट है, बस हल्का सा फर्क दिखता आपको, ये स्लो है सॉरी स्लो, और ये देख सकते हो फास्ट। मतलब आपने गौर किया होगा गाड़ियों में दो स्पीड मतलब स्पीड वन स्पीड टू रहता है वाईफाई में, एक स्लो का रहता है एक ज़्यादा का स्पीड का रहता, तो ये स्पीड का है देख सकते हैं, ये स्पीड हो गया मतलब ओके, ये मतलब स्लो और फास्ट दोनों में काम कर रहा। अब ये जो है ये रेडी हो गया गाड़ी पे यूज़ करने के लिए, मतलब ये रेडी टू यूज़ हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम गाड़ी में लगा देंगे, तो गाड़ी का जो वाइफर के अंदर के ब्लेड्स है वो सब ओके, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं निकाला, तो अभी सिर्फ ज़रूरत थी इस वाइफर मोटर की। तो इसका जो भी ये वीडियो आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।